गुरुजनों की आज्ञा से बता रहा हूँ, अपनी मनगणत बात नहीं कह रहा, एकादशी है, आप अन्न नहीं खाते। और उसी दिन कोई वैष्णव कहीं धाम से आए और वहां का प्रसाद लेकर के आए और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो क्या करना चाहिए? अब पाते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, और नहीं पाए तो प्रसाद है, मन में कभी कभी भाव आता है। तो ये प्रश्न हमने किया गुरुजनों से, तब गुरुजनों ने आज्ञा करी, देखो प्रसाद का एक नियम होता है कि वो जैसे ही आपके घर पधारे सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई वृंदावन से आया आपके घर आए, बोले महाराज लीजिए आप यहाँ, अब आप क्या करते हो? उसको उठा करके रख दिया साइड में, फ्रिज में धर दिया, खा लेंगे बात? नहीं, प्रसाद कहीं का भी जब भी घर में आए तो यही समझना चाहिए जहां का प्रसाद है वही देव आए हैं प्रसाद के रूप में। तुरंत अपने सौ काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करो। और यदि एकादशी है तो एकादशी के दिन थोड़े रूप में लो, लेकिन लो, वो अन्न नहीं है, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो, साक्षात ठाकुर जी हैं, इसलिए थोड़े रूप में उसको लेकर के जिह्वा पर धारण करके माथे से लगा के प्रणाम कर लो, शेष जो है वो द्वादशी को पालो, एकादशी को प्रसाद को ग्रहण करो।